नमस्कार, वीकली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको ऐसे 25 हॉट करंट अफेयर्स मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर से लिखे सब्सक्राइब पर क्लिक कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम लेकर आते हैं एजुकेशनल, मोटिवेशनल और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में संयुक्त सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है सुमिता मिश्रा। सुमिता मिश्रा के अतिरिक्त 5 आईएएस अधिकारियों सहित 10 अधिकारियों को विभिन्न केंद्रीय विभागों में संयुक्त सचिव बनाया गया है। नंबर 2, वैज्ञानिकों ने बृहस्पति से मिलते जुलते कितने ग्रहों की खोज की है? आंसर है 4 ग्रहों की। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सभी ग्रह जुपिटर प्लैनेट से काफी मिलते हैं, क्योंकि ये सभी 10 दिन के अंदर ही अपने सूर्य का चक्कर लगा लेते हैं। नंबर 3, गेल ने उत्तर प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट लगाया है, उसका नाम क्या है? आंसर है रूफटॉप सोलर प्लांट। टाटा पावर सोलर ने दिसंबर 2015 में अमृतसर में देश का सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित किया था। नंबर 4, किस राज्य को खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्त राज्य घोषित किया गया है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम के बाद यह दूसरा राज्य है जिसे यह दर्जा मिला है। नंबर 5, देश की सबसे लंबी सुरंग की मंजूरी किसे दी गई है? आंसर है जोजिला सुरंग। इसका उद्देश्य कश्मीर घाटी तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना से टूरिज्म के लेवल पर भी बड़ी मदद मिलेगी। नंबर 6, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न को रोकने के लिए बिहार में किस योजना की शुरुआत की गई है? आंसर है सेफ सिटी सर्विस लेंस। इस योजना के तहत सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अन्य अपराधों को रोकने के लिए राज्य भर में सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। नंबर 7, हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने किस सूची का आदान प्रदान किया है? आंसर है परमाणु सूची। इसका मुख्य लक्ष्य दोनों पक्षों को हमला करने से रोकना है। यह आदान प्रदान राजनयिक माध्यमों के द्वारा दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच हुआ है। नंबर 8, मेनका गांधी ने महिला सशक्तिकरण के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल का आरंभ किया है? आंसर है नारी। पोर्टल में महिलाओं के जीवन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जानकारी उपलब्ध कराई गई है। यह पोर्टल भी इसी दिशा में एक कदम है। इस पोर्टल को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विकसित किया है। नंबर 9, यश भारती से सम्मानित किस मशहूर शायर का हाल ही में निधन हो गया है? आंसर है अनवर जलालपुरी। मशहूर उर्दू शायर अनवर जलालपुरी ने श्रीमद् भागवत गीता का उर्दू शायरी में अनुवाद किया था। नंबर 10, अमेरिका ने आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर किस देश की सुरक्षा सहायता को रोक दिया है? आंसर है पाकिस्तान। सुरक्षा सहायता की राशि रोकने के साथ साथ धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान को विशेष निगरानी की सूची में डाल दिया है। नंबर 11, स्वास्थ्य मंत्रालय तथा टाटा मेमोरियल द्वारा कौन सा पहला ऑनलाइन पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है? आंसर है ऑन्कोलॉजी पाठ्यक्रम। इसका उद्देश्य देश भर के डॉक्टरों को विभिन्न तरह की कैंसर बीमारी की जल्दी पहचान, रोकथाम, दर्द में कमी लाने, पुनर्वास तथा उपचार के बारे में प्रशिक्षित और शिक्षित करना है। नंबर 12, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस संबंध में भारत और म्यांमार के बीच समझौते को मंजूरी दी है? आंसर है भूमि सीमा पार करने संबंधित। इस समझौते से दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में आम तौर पर रह रहे लोगों की मुक्त आवाजाही से संबंधित मौजूदा अधिकारों के नियमन एवं उनमें सामंजस्य बैठाने में सहूलियत होगी। हाल ही में लिख्टेनस्टाइन में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है सीबी जॉर्ज। सीबी जॉर्ज 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। वर्तमान में जॉर्ज स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के पद पर कार्यरत हैं। नंबर 14, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को रणजी ट्रॉफी की मंजूरी किसने दी? आंसर है उच्चतम न्यायालय ने। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव आदित्य वर्मा की याचिका पर यह फैसला सुनाया है।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बिहार को घरेलू स्पर्धाओं में भाग लेने देना क्रिकेट के हित में है। इसी तरह की अन्य राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की स्वीकृति भी दे दी है। नंबर 15, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 295 करोड़ रुपए की किस परियोजना को मंजूरी दी है? आंसर है नमामि गंगे। नमामि गंगे परियोजना के तहत उत्तराखंड में 4.68 करोड़ रुपए की लागत से हरिद्वार के कुछ इलाकों में सीवर लाइनें बिछाने की योजना है। नंबर 16, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितने रुपए का नया नोट जारी किया है? आंसर है 10 रुपए का। 5 जनवरी 2018 को नया नोट जारी किया गया है। यह नोट चॉकलेटी ब्राउन कलर का है। नंबर 17, हाल ही में किस शहर की पुलिस यूनिफॉर्म पर कृष्ण के लोगो वाला बैज लगाया जाएगा? आंसर है मथुरा। मथुरा पुलिस यूनिफॉर्म के कंधे पर भगवान कृष्ण के लोगो वाला बैज लगाया जाएगा। इस लोगो में कृष्ण के फोटो के साथ पर्यटन पुलिस भी लिखा होगा। नंबर 18, हाल ही में किस देश में व्हाट्सएप को फेसबुक के साथ डेटा शेयरिंग पर रोक लगाई गई है? आंसर है फ्रांस। यह निर्देश वहां के नेशनल डेटा प्रोटेक्शन कमीशन ने दिए हैं। अगस्त 2016 से व्हाट्सएप अपनी पैरेंट कंपनी फेसबुक के साथ डेटा शेयरिंग कर रहा है। नंबर 19, ICCR के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है विनय सहस्त्रबुद्धे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। विनय सहस्त्रबुद्धे भाजपा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वे महाराष्ट्र राज्यसभा सदस्य भी हैं। विनय सहस्त्रबुद्धे को लोकेश चंद्र के स्थान पर नियुक्त किया गया है। नंबर 20, हाल ही में दुनिया की सबसे खड़ी चढ़ाई वाली रेलवे लाइन कहां पर बनाई गई है? आंसर है स्विट्जरलैंड। यह रेलवे लाइन समुद्र तल से 6,227 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें संतुलन बनाने के लिए बेलनाकार बोगियां लगाई गई हैं। यह रेल 743 मीटर की ऊंचाई तक जाएगी। नंबर 21, नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? आंसर है गोल्ड और आइकन मिशन। नासा के अनुसार यह दोनों मिशन उस समय एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं जब आइकन गोल्ड के पास से गुजरेगा। नंबर 22, मेघालय में किस नई प्रजाति की मछली मिली है? आंसर है अंधी मछली। गुवाहाटी विश्वविद्यालय और नर्दर्न ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय ने कहा है कि इस प्रजाति की मछलियों ने गुफा के भीतर हमेशा रहने वाले अंधेरे के कारण अपनी आंखों की रोशनी खो दी है। नंबर 23, भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 प्रमुख क्षेत्रों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आंसर है 6.8%। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस बार नवंबर 2017 में रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात तथा सीमेंट क्षेत्र की वृद्धि दर सालाना आधार पर क्रमशः 8.2%, 16.6% तथा 17.3% रही। नंबर 24, किस पूर्व रॉ प्रमुख को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? आंसर है राजेंद्र खन्ना। भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी अरविंद गुप्ता के पिछले वर्ष अगस्त में इस पद पर कार्यकाल पूरा करने के बाद से यह पद खाली था। नंबर 25, WHO ने गेमिंग डिसऑर्डर को किस रोग की श्रेणी में शामिल करेगा? आंसर है मानसिक रोग। न्यू साइंटिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार पहली बार WHO गेमिंग डिसऑर्डर को रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण में शामिल करने के बारे में सोच रहा है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।